नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगाया जनता दरबार। 350 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार की सुबह सीएम योगी जयपुर राजस्थान के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का किया भ्रमण। तेंदुओं के दो मादा शावकों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री ने किया नामकरण। एक को भवानी तो दूसरे को नाम दिया चंडी। गीता नामक सफेद बाघ इनको क्रॉल से मुख्य बाड़े में कराया प्रवेश। कहा, राम राज्य की भावना के अनुरूप हो प्रत्येक प्राणी का संरक्षण। लूट की घटना में शामिल एक शातिर चेन लुटेरे अभिषेक भारती और लूट के सामान को खरीदने वाले सुनार आदित्य वर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का चेन, लूटे गए चेन को बेचकर मिले पैसे से खरीदे गए एप्पल का मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से किया गया दहन। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा दिखाया गया रावण वध की लीला। कहा, प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध होते ही हजारों भक्तों ने किया जय जय श्री राम का उद्घोष। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम ने बनाए 3 कृत्रिम पोखरे। निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के शिफ्टवार लगाई गई है ड्यूटी। नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई दिक्कत। और जनपद में सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच 3000 से ज्यादा मूर्तियों के विसर्जन के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी जवानों, आरएएफ जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। हर मूर्ति के साथ एक नोडल अधिकारी को किया गया है तैनात। मूर्ति विसर्जन को करवाएंगे सकुशल संपन्न, एसपी सिटी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में बुधवार को दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारी बारी से फरियादियों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल अधिकारियों को उनके समस्याओं को निस्तारण के निर्देश दिए, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जमीनी मामलों को पुलिस व राजस्व टीम के साथ मिलकर मौके का निरीक्षण कर निस्तारण करें। उन्होंने जनता दरबार में आए 350 फरियादियों की फरियाद को सुना। वही विजयदशमी का पर्व मनाने गोवा से एक परिवार के साथ गोरखनाथ मंदिर दर्शन करने आई 4 वर्षीय बच्ची से दिव्यांशी व गुल्लू से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की, जिस पर बच्ची मिलकर बहुत खुश हुए। गुरुवार को सुबह 8:15 बजे गोरखपुर से पावन धाम श्री पंचखंड पीठ विराटनगर जयपुर राजस्थान में चादर पोशी संत समागम भंडारा कार्यक्रम में सहभागिता के उपरांत गुरुवार को लगभग 12:15 बजे सीएम योगी का लखनऊ आगमन होगा। इस अवसर पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैंगलोर स्टेशन एक बार मालूम करें, घबरा मत, आप बात करेंगे सर, चिंता मत। क्या बात है, क्या हो गया है? उसको देखेंगे, देवरिया का मामला। क्या बात है, क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते, क्या मामला है? कहाँ है वो? बलिया में। कौन दे रहा है? ये महादेव भक्त कार्रवाई कराएंगे। प्रॉब्लम क्या बात है? श्रीनगर का मामला, घबरा मत, कार्रवाई करा दो। FIR करा दो, अगर उसने चेक बाउंस हो गया तो एकदम कार्रवाई करा दो। क्या बात है,
विभाग में है, इसमें मिड प्लेस में थोड़ा होगा, आप आवेदन करिए जब समय आएगा उस समय होगा। कहाँ का हूँ भाई? कासगंज का। सर भाई क्या बात? देवरिया का मंडल। सर भाई अरे आपने दे दी काहे की तैयारी कर ली, तो उसके लिए कोचिंग चल रही है, उनको बताओ। अरे उसको फ्री में कोचिंग चल रही है, इस तरह ठीक है, फ्री की कोचिंग उसका लाभ लेना चाहिए ना उसमें। क्या बात है, बैठ जाए हैं। कहाँ का? महाराजगंज का। महाराजगंज का मामले का आप बताइए। कहाँ है? सऊदी में। ठीक है, देवरिया के रहने वाले हैं, सऊदी में फ्यूचर करो जी, हम मंगवाने की व्यवस्था कर कार्रवाई करेंगे। एक पत्र जांच के साथ विदेश मंत्रालय को देखते हैं। क्या बात है? कौन मार रहा है? ये महाराजगंज का मामला है, कार्रवाई करें। कमरा कार्रवाई करें। क्या बात है? ये कैंपियरगंज का है, वहाँ क्या उम्र है? आवास मिलेगा। कहाँ का मामला है? महाराजगंज का, कुछ चेक करेंगे आप बताइए। क्या हो गया है? कब से? देवरिया का मामला है, यहाँ पे बलरामपुर में क्यों क्यों गिरा दिया? अगर चिंता मत करो, हम कार्रवाई कराते हैं। खुल जाती है? खुल जाती है। कौन क्लास में? अरे सरकारी में कौन क्लासें पढ़ती है? दो में, चार में, आठ में, बारह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस में तीसरे पढ़ती है, हैं? दो में कौन सा तो खबरा चलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामराज की भावना के अनुरूप मानव कल्याण के साथ प्रत्येक प्राणी की रक्षा व संरक्षण में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। इसकी प्रेरणा हमें रामायण से भी मिलती है। रामायण की गाथा में अरण्य कांड जीव जंतुओं के संरक्षण, प्रकृति के प्रति दायित्व, जीवों के प्रति व्यवहार की सीख देता है। अरण्य कांड में एक प्रकार से पूरी भारतीय ज्ञान संपदा समाहित है। सीएम योगी बुधवार को शहीद इसफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर चिड़ियाघर में तेंदुए के दो मादा शावकों को दूध पिलाकर उनका नामकरण भवानी और चंडी करने, व्हाइट टाइगर सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से बाड़ा प्रवेश कराने, चिड़ियाघर के हाल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद यहाँ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस की पंक्तियों सहित अनाहित पशु पक्षी उजाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना का स्मरण करते हुए कहा कि कौन हितैषी है और कौन हानि पहुंचाने वाला पशुओं में इसका स्पंदन होता है। इस उद्धरण को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में माता सीता व अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ही गए थे, लेकिन वनवास काल में उनकी मदद वनवासियों, भालू, वानर, गिद्ध, यहाँ तक कि पेड़ पौधों व जंगल के नदी नालों ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य भी तभी संरक्षित होगा जब वह प्रकृति के प्रति और जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेगा। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सभी लोगों के योगदान की अपील की। सीएम योगी ने वन्य जीव संरक्षण तथा इको टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी शुरू करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीवों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। मनोरंजन के साथ बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होगा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के रानीपुर में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की भी घोषणा हो चुकी है। भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। बिजनौर व रामनगर में भी इको टूरिज्म से जुड़े प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। सरकार वन्य जीवों के लिए महाराजगंज, मेरठ, चित्रकूट, पीलीभीत आदि जगहों पर रेस्क्यू सेंटर बना रही है। महाराजगंज के सोहगी बरवा क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों से होने वाली हानि को सरकार ने आपदा की श्रेणी में रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जलीय जीवों के संरक्षण को लेकर भी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना से इसमें काफी मदद मिल रही है। सीएम ने कहा कि कानपुर के सीसामऊ में पहले गंगा नदी में प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के कार्यों से अब एक बूंद भी नहीं गिरता। अब सीवर गिरने वाला स्थान सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इसी तरह जाजमऊ में चमड़ा उद्योग का कचरा गिरने से जलीय जीव समाप्त हो गए थे, वहां अब जलीय जीवों को पुनर्जीवन मिला है और बड़ी संख्या में जलीय जीव नदी में दिखने लगे हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए सरकार ने भगवान श्री राम के प्रिय मित्र निषाद राज के क्षेत्र को चुना है। विगत वर्ष अपने काशी के एक दौरे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब वहां भी गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देने लगी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार डॉल्फिन संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाएगी। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन जीवों के उपचार व संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों को का अलग कैडर निर्धारित करने का निर्देश वन विभाग के जिम्मेदारों को दिया है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के इलाज के लिए अभी चिकित्सक पशुपालन विभाग से लाए जाते हैं, पर अब वन जीवों के रेस्क्यू व उनके उपचार हेतु पशु चिकित्सा अधिकारियों का अलग कैडर तैयार करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक एक पेड़ की कीमत को समझते हुए उनका संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विगत 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, यह दुनिया में सर्वाधिक है। इस बार 35 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं, इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरण अनुकूल होगा तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी बचा जा सकेगा। बुधवार को हो रही बारिश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी बारिश सावन में होती है, अक्टूबर माह में यदि इस तरह की बारिश हो रही है तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे ही। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गंगा डॉल्फिन संबंधी पोस्टर रिलीज करने के साथ प्रदेश के जलीय जीवों पर डाक विभाग के स्पेशल कवर का भी अनावरण किया। साथ ही चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर एच राजमोहन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी रोहित सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया। कार्यक्रम में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि महाराजगंज के सोगी बरवा में सरकार जल्द ही जंगल सफारी की सुविधा शुरू करेगी। जंगल सफारी से इको टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरे प्रदेशों के लोग पर्यटन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए भी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्यावरण प्रेम व वन्य जीवों से लगाव का उल्लेख करते हुए वन मंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने अपने जन्मदिन पर सुबह उठते ही सबसे पहला काम पौधारोपण का किया था। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों से अपील की कि वे अपने जन्मदिन पर पौधारोपण अवश्य करें। कार्यक्रम के दौरान डॉल्फिन दिवस पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैव विविधता के सलाहकार डॉक्टर संदीप बेहरा ने आधारभूत व्याख्यान देते हुए डॉल्फिन संरक्षण में सबकी सहभागिता की अपील की। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वन्यजीव सप्ताह के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आभार ज्ञापन प्रधान वन संरक्षक वन्यजीव केपी दुबे ने किया। इस अवसर पर वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री केपी मलिक, सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन
सिंह, प्रदीप शुक्ल, महेंद्र पाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे, गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक भीमसेन प्रभागीय, वन अधिकारी विकास यादव, प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंह आदि मौजूद रहे। और
कैसे टूट गया शिकार करते समय इनका ये क्या है ये लायन अच्छा इनका जी गाय का तो भी मुफ्त है ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन मंच पे हो चुका है। डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना माननीय राज्य मंत्री सतन प्रभार वन पर्यावरण आग्रह श्री के पी मलिक जी से माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जल उद्यान जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद सीताराम जायसवाल जी माननीय महापौर गोरखपुर मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन दुबे जी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री केपी दुबे जी को हो चंदन वंदन अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर का गोरखपुर के आरंभ शुभकामनाएं विजयादशमी की पावन बेला पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन मिलना हम सभी का सौभाग्य है। सब पर हम सभी एकत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारा उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। हम गोरखपुर वासी अत्यंत हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगे गाए तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे के साथ आमंत्रित करती हूँ स्वागत की इसी कड़ी की कड़ी में निवेदन हाँ, उत्तर प्रदेश विजयादशमी के एवं वाइल्ड लाइफ सप्ताह तो मनाया जा रहा है उसके शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंच पर आसीन सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। महोदय ये जो सप्ताह है ये 68वां वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में और इस दौरान हम लोगों ने कई अवेयरनेस के लिए कई प्रतियोगिता आयोजित की है हमारे टाइगर रिजर्व्स में सेंचुरी में और जू में सभी जगह ये आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कुछ कारगर उपाय किए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इसको बड़े धूमधाम से हम मनाएं और इस बार नवरात्रि में ही ये हमारा वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं सभी उपस्थित लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई मंत्रिपरिषद में अभी निर्णय लिए गए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। खोजने की कोशिश करी तो बड़ी दिक्कत से जो है ये मिलते हैं तो हमको वेटनेरियंस की भी जो कैपेसिटी है उसको भी डेवलप करनी पड़ेगी उनकी जानकारी को डेवलप करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हम किस तरह से अपने जीव जंतुओं के साथ में हमारा डेवलपमेंट भी करें हमारी जो आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन को भी हम बढ़ाएँ और इस तरह से हम किस तरह से एक कोहेसिवनेस एक 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 तरह से हम ये पूरे चीज़ को एक पूरे कार्यक्रम को किस तरह से डॉल्फिन को बचाना पर्यावरण को बचाना और जो उससे आर्थिक उन्नति करना ये सब चीज़ को एक बना के हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। धन्यवाद। ये पोस्टर रिलीज हो रहा है गांधी डॉल्फिन का प्रकृति के अनुसार
मानव पर्यावरण और वन्य जीव एक दूसरे से, ये पोस्टर रिलीज गांधी डाल्फिन वन विभाग द्वारा, इस प्राणी उद्यान द्वारा जो कि पर्यावरण के सात दिनों का वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। हर दिन बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चे बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके अपने पर्यावरण से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब हमारे गोरखपुर की प्रशंसा को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। गोरखपुर में देखा जाए तो विकास की सुनामी आ चुकी है और इस समय ये वन विभाग के बाद डाक विभाग का ये प्रयास आपके समक्ष, एक बार जोरदार तालियां। इन विशेष अवसरों को मीडिया भाइयों से आग्रह है कि अपने अपने कैमरों में कैद करने का करें ताकि कल के दिन स्वर्णिम अक्षरों से जब इतिहास। राजा मोहन जी को मंच पे मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप अपना प्रशस्ति पत्र प्रतिता सुनिश्चित कराने में, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में, वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने में सदैव रत रहते हैं। प्राणी उद्यान में बहुत ही अल्प कार्यकाल में अनेकों वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर छोड़ने का भी पत्र अपने सराहनीय कार्य के लिए प्राप्त करें, स्थान प्राप्त कर चुकी। कुमारी अन्वेषा क्लास 10 प्राणी उद्यान में कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें को आयोजित करता रहता है फेस पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता जो जूनियर पर, और कुमारी रश्मि बस जैसे ही दीपशिखा नीचे जाती है आप तीनों एक साथ ये प्राइज मिल रहा है, ये इनके विद्यालय को प्राइज मिलना है, नियो एमबीएस विद्यालय को। जी हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें और अभी उनके साथ हैं। ये जो प्रतियोगिताएं हमारे बीच इस अवसर पे हुई थी उन सभी के प्रतिभागी आपके बीच मंच पर, और स्मृति चिन्ह की इसी कड़ी में मैं अपनी स्मृतियां देने की कृपा करें। स्मृति चिन्ह के देने का मुख्य कारण यही होता है कि जब कभी हम अपने मार्ग से भटके तो आप हमें हमारा मार्ग याद दिलाएंगे। काम करें वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री सीएम संबोधन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, श्री के पी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रधान वन संरक्षक वन्य जीव श्री के पी दुबे जी, सलाहकार जैव विविधता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली डॉक्टर संदीप बेहरा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शहीद अशफाकउल्लाह खां प्राणी उद्यान से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रशासन और वन विभाग से जुड़े हुए सभी
अधिकारी और उससे जुड़े हुए सभी संस्थाएं उपस्थित भाइयों बहनों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है और साथ ही साथ वन्य जीव सप्ताह भी वर्तमान में चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। विजयादशमी का यह पर्व हम सबके जीवन में किसी प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाता रहे, राम राज्य की आदर्श भावनाओं के अनुरूप हम न केवल मानव कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे बल्कि प्रत्येक प्राणी के रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी हम सब अपने स्तर पर योगदान करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी डॉल्फिन पर एक पोस्टर रिलीज किया गया, वन्य सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी उससे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले गोरखपुर के जू में एक सफेद बाघिन को आज उसके बाड़े में छोड़ने की कार्रवाई भी संपन्न हुई है। उसका नाम गीता है और उसे आज यहाँ पर छोड़ा गया। बहुत अच्छी है, अगर आप देखें एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी, वो कैद थी वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पेड़ा खुला और तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लग गए। और साथ ही साथ तेंदुए के दो बच्चों का नामकरण भी, जिसको उत्तर प्रदेश वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया था, एक का तो यानी एक मुश्किल से 5-6 दिन का छोटा सा बच्चा था तेंदुए का, उसको संरक्षित करके रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है और मैंने स्वयं उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया हूँ। और एक महीने का रहा होगा आज, वो काफी बड़ा हो गया, वो अंदर ही था। यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता है। मैंने तीन यहाँ पे तेंदुए के अलग अलग उम्र के उसको देखा है, एक जो 3 महीने की हुई है मुश्किल से 6-7 दिन की थी और जब उसको रेस्क्यू किया गया था, अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था और उसको 15 महीने का है, अच्छा हेल्दी हो गया है। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पुष्प पक्षी जाने, मैं देख रहा था वहां पर जहां रवि किशन जी गए तो उन पर वह झपट पड़ा तेंदु, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया, यानी इसका मतलब पहचान गया था और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था।
एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था, एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहां से रेस्क्यू करके यहां लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहां आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहां पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। तो 10 मार्च को उन्होंने वहां से प्रस्थान करवाया था और यहां पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके एक सप्ताह के बाद मैं यहां आया था। मैं उनके बाड़े में गया था और जब बाड़े में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा, वहां पर केयरटेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या नाम है इनका, उसने नाम बताया, मैंने उनको बुलवाया, आया मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए उन्हें मालूम है कौन हमारा हितेशी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है, पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व तो क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य में है, जिस पर राक्षसों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास होता है और पूरी रामायण की कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये अगर आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, भगवान राम तो वन में अकेले गए थे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ, जंगल में वहीं के लोगों ने उनको मदद की थी। जब माता सीता का अपहरण होता है तो वह वहां के पेड़ों से, वहां के पशुओं पक्षियों से पूछते हैं कि सीता कहां है, एक प्रश्न उनसे पूछते हैं। और फिर आपने देखा है भगवान राम के सहयोगी कौन बनते हैं, वही वनवासी बनते हैं, बानर बनते हैं, भालू बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, यही सब उनके सहयोगी बनते हैं। वहां के पेड़ बनते हैं, वहां की गुफाएं बनती हैं, वहां के पत्थर बनते हैं, वहां के नदी और नाले बनते हैं, हर एक का योगदान है। और तभी तो विजयादशमी का पर्व भी हम सबके सामने आता है और इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब इन कार्यक्रमों के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में ये प्रकृति के प्रति, और जो हमारे वन मंत्री ने कहा कि यह जीवन चक्र है और ये जीवन चक्र तो तभी चलता है, एक दूसरे पर आश्रित है हर व्यक्ति, व्यक्ति हो या जीव हो या जंतु हो, ये पूरी जीवन चक्र किस प्रकृति के नियमों के अनुरूप जब चलेगा तभी मनुष्य भी संरक्षित रहेगा और साथ साथ जीव और जंतु के सुरक्षित रहने पर ही हर एक व्यक्ति की सुरक्षा है। मुझे प्रसन्नता है इस पर
यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी हम लोग लखनऊ में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नाइट सफारी प्रदेश के अंदर न केवल मनोरंजन के लिए इको टूरिज्म को और वन्य जीवों के प्रति आम जन के मन में एक सम्मान का भाव पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, उस दिशा में आवश्यक होगा, बल्कि स्कूली बच्चों के ज्ञान वर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। अरे लखनऊ में हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। रानीपुर में अभी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। ये चित्रकूट के पास पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। भगवान राम वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में निवास किए थे। अमानगढ़ बिजनौर के पास कालागढ़ रामनगर से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र, इसे भी हम बहुत जल्दी को टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर हमारे स्थापित होने जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज तक हम लोग नहीं कर पाए, गिद्ध समाप्त तो हो रहे हैं और सोगी बरवा महाराजगंज में हम लोग गिद्ध संरक्षण के भी एक रेस्क्यू सेंटर को आगे बढ़ा चुके हैं। यहाँ पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग आने वाले समय में महाराजगंज, चित्रकूट, मेरठ और पीलीभीत में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों से जब मानव का कहीं संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो उससे जनहानि होती है, उसको हमने आपदा की श्रेणी में लिया है। उस परिवार को हम तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराते हैं अगर कोई जनहानि होती है, अंग भंग होता है, तो उसमें भी हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वह क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए मैं संजीव बेहरा जी को बताना चाहूँगा कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। कानपुर में सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर यानी 14 MLD जो शिविर गिरता था, गंगा में आज एक बूंद नहीं गिर रही है। आज वहां पर जो शिविर गिरता था, आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जाजमऊ में इतना जो वहां पर कानपुर में चमड़े का उद्योग था, उसका इतना कचरा गिरता था, इतना जहरीला होता था, एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज उसे नियंत्रित किया गया है। आज वहां पर जलीय जीव फिर से पैदा हो गए हैं, फिर से दिखाई देने लग गए हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है 2019 में प्रयागराज कुंभ स्वच्छता के नए मानक के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में स्थापित हुआ। और यही नहीं, मैं विगत वर्ष जब काशी में था, इसी सीजन में वहां पर मुझे देखने को मिला, डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे थे। डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे हैं और काशी के पास, मिर्जापुर प्रयागराज के पास डॉल्फिन फिर से दिखाई दे सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, ये अभिनंदनीय है। हमें इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। यहां पर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको और गति देने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर कहूंगा, दूसरा मैं वन विभाग से इस बारे में कहूंगा, एक बात जो अक्सर आती है कि यहाँ पे इन वन्य जीवों के
उपचार और संरक्षण के लिए जो चिकित्सक वेटनरी चिकित्सक यहाँ पे लगते हैं उनका अभी तक कोई कैडर डिफाइन नहीं हो पाया है। वन विभाग को इनके कैडर को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए जिससे उनको प्रमोशन की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और वन्य जीवों के लिए हम उनका बेहतर उपयोग कर सकें, इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। वन्य जीवों के लिए जो प्राणी उद्यान हमारे हैं या जो अन्य वन्य जीवों की रेस्क्यू के लिए भी जो कार्यक्रम हम करा रहे हैं, इस कैडर को हम लोग अगर ठीक ढंग से आगे बढ़ा लेंगे, अभी हम पशुपालन विभाग से इनको लेके आते हैं, फिर एक समय के बाद ये लोग वापस जाते हैं, उनका जो अनुभव का लाभ होता है उस अनुभव का लाभ फिर वहाँ पर भी नहीं ले पाते और वहाँ का लाभ इनको यहाँ भी नहीं मिल पाता है। हमें इसे डिफाइन करना होगा, इसको अलग से वन विभाग के अधीन ही लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वन्य जीवों के लिए अलग से ही एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वन्य जीव पक्षी हों उन सभी को हम उसके साथ संरक्षित करने का कार्य कर सकें। इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य करने को कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। वन विभाग ने विगत 5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में 100 करोड़ वृक्ष लगाए हैं, दुनिया के अंदर सबसे अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश ने किया और इस वर्ष भी 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम वन विभाग ने प्रदेश भर में किया है। इन वनों के वृक्षारोपण के लिए किए गए प्रयास को हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक पेड़ की कीमत होनी चाहिए, यानी उसको संरक्षण हमें करने का कार्य अपने ऊपर लेना होगा। अभी जब हम आ रहे थे कितना घना हमें वहां पर आच्छादन वन का देखने को मिला था, बहुत अच्छा लग रहा था वहां पर। सांसद जी तो पहली बार वहां गए देख रहे थे, हाँ पिछवाड़ा वाला जो हिस्सा था बहुत अच्छा हमें लग रहा था और मैं चाहूंगा कि हम लोगों को इसी पर, क्योंकि अच्छा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा और प्रकृति के जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है आप देख रहे होंगे, इतना इतनी मौसम से नहीं, सुबह से ही कल से ही बारिश पड़ रही है, इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए, ये बारिश तो सावन के महीने की बारिश है, अब इस महीने में ये बारिश इस रूप में हो रही है, हमें इन सब के बारे में सोचना चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, हमें प्रकृति के संरक्षण के इस दायित्व को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के दायित्व को भी अपने ऊपर लेना होगा। आज का यह प्राणी उद्यान गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम, तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण, सफेद बाघिन यहाँ पर पहली बार आई है, उसे उसके पूरे उसमें उसको वहाँ पर छोड़ा गया, उस कार्यक्रम को भी देखने लायक था, कितनी मस्ती के साथ वो गई थी, यानी ये चीजें देखने को देखने लायक थी और वहाँ उसका विचरण देखो क्या स्फूर्ति है उसमें। ऐसे ही डॉल्फिन पर जो पोस्टर रिलीज हुआ है और बच्चों को यहाँ पर जो प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कृत किया गया है, मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, पूरे वन्य जीव सप्ताह के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगाया जनता दरबार, 350 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, गुरुवार की सुबह सीएम योगी जयपुर राजस्थान के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का किया भ्रमण, तेंदुओं के 2 मादा शावकों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री ने किया नामकरण, एक को भवानी तो दूसरे को नाम दिया चंडी, गीता नामक सफेद बाघिन को क्रॉल से मुख्य बाड़ी में कराया प्रवेश, कहा राम राज्य की भावना के अनुरूप हो प्रत्येक प्राणी का संरक्षण। लूट के
की घटना में शामिल एक शातिर चेन लुटेरे अभिषेक भारती और लूट के सामान को खरीदने वाले सुनार आदित्य वर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का चेन, लूटे गए चेन को बेचकर मिले पैसे से खरीदे गए एप्पल का मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से किया गया दहन। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा दिखाया गया रावण वध की लीला। कहा, प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध होते ही हजारों भक्तों ने किया जय जय श्री राम का उद्घोष। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम ने बनाए 3 कृत्रिम पोखरे। निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के शिफ्टवार लगाई गई है ड्यूटी। नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई दिक्कत। और जनपद में सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच 3000 से ज्यादा मूर्तियों के विसर्जन के लिए स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी जवानों, आरएएफ जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। हर मूर्ति के साथ एक नोडल अधिकारी को किया गया है तैनात। मूर्ति विसर्जन को करवाएंगे सकुशल संपन्न, एसपी सिटी ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर थाने की पुलिस ने शातिर चेन लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, दूसरा आदित्य वर्मा पुत्र शेष मणि वर्मा निवासी वार्ड नंबर 11 हरिलाल चौक थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का चेन, लूट के पैसों से खरीदा गया एप्पल मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभिषेक भारती अपने साथी दीपू कुमार के साथ मिलकर 13 सितंबर को समय 9 बजे रात को खजांची चौराहा पेट्रोल पंप के पास से एक महिला से 28 अगस्त को समय 6 बजे शाम के शताब्दीपुरम कॉलोनी पादरी बाजार पानी टंकी के पास से एक व्यक्ति से 13 सितंबर को 7:15 शाम बैंक कॉलोनी पादरी बाजार से एक महिला से 16 अगस्त समय 3 बजे मोहद्दीपुर ओवरब्रिज के पास से एक महिला से दिनांक 27 जुलाई को समय 9 बजे बॉबिना होटल के पास से एक व्यक्ति से 17 सितंबर को धर्मशाला चौराहे के पास गली में रात 11 बजे एक महिला से चेन छीना था। अभिषेक का साथी दीपू कुछ दिन पहले ही हैदराबाद भाग गया है तथा लूटे गए चेन को खरीदने वाले स्वर्णकार आदित्य वर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, आशीष कुमार सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, प्रशांत नाविक, शिव भोला, अवधेश बिंद, रोहित नाथ, अमृत यादव, अजय यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे छिनेत को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 से 3 महीने में 6 लूटें जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में कर चुका था। यह व्यक्ति पहले सब्जी मंडी वगैरह ऐसी जगहों पर जाता था, रेकी करता था। रेकी करने के बाद में आइडेंटिफाई करता था कि किस महिला ने चैन पहनी है, एवं उसके बाद में उसका पीछा करते हुए सुनसान सी जगह जहां पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं हो, उस जगह पे छिनेती की घटना कारित करता था। इस तरह की 3 घटनाएं इसने थाना शाहपुर में कारित की थी, 2 गोरखनाथ थाना में एवं 1 कैंट थाने में। सभी घटनाओं को सफलतापूर्वक जिनका अनावरण आज किया जा रहा है, इनमें से इनके पास से 4 चैन सोने की चैन, 1 आईफोन जो कि इन्होंने चैन बेच के ख़रीदा था, क्योंकि टिकटॉक के वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते थे, इसकी वजह से इन्होंने आईफोन ख़रीदा था। इनके पास से 4800 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो कि एक चैन बेचने के बाद में जो पीछे बचा पैसा है। इनके पास से सघन पूछताछ में एक तमंचा एवं कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो लूट में प्रयोग की जाने वाली पल्सर गाड़ी NS 160 उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। यह गाड़ी उसने EMI पे ख़रीदी थी, एवं बीच बीच में जब जब उसको EMI की किस्त आती थी तब तब वह बीच बीच में रह रह कर लूट कारित करता था, एवं जिस सोनार को ये चैन ले जाके बेचता था उस स्वर्णकार को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस तरह कुल 7 अभियोगों का अनावरण आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस अच्छे खुलासे एवं CCTV बेस्ड और सर्विलांस के सहयोग से किए गए इस गुड वर्क के लिए SSP महोदय द्वारा इनको 20,000 रुपये का इनाम भी टीम को दिया जा रहा है। थैंक यू। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में 5 अक्टूबर बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा रावण वध की लीला दिखाया गया। सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से रावण के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें कि देश भर में दशहरे के त्योहार पर रावण का पुतला दहन करने की सदियों पुरानी परंपरा है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन की नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे से 21वें दिन पर दीपावली त्योहार मनाया जाता है। रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा गया है। सोने की लंका का सम्राट रावण अस्त्र शस्त्रों का पारंगत तपस्वी और प्राकंड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया था कि उसे मारना मुश्किल था। 4 वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। इस संबंध में श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के महामंत्री अनुप अग्निहोत्री ने बताया कि यह रामलीला 160 साल पुराना है। बहुत ही धूमधाम से रामलीला मनाया जाता है। दशहरे के दिन यहाँ पर रावण वध का लीला दिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैदान में प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं। यह दृश्य देखकर मैदान में हजारों भक्तों की जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान रथ पर सवार होकर राघव मिलन शक्ति बसंतपुर पहुंचते हैं और शक्ति के रूप में दुर्गाबाड़ी समिति की प्रतिमा का मधुर मिलन चौक पर मिलन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के महामंत्री अनुप अग्निहोत्री ने कहा, Oh!
अग्नोत्री महामंत्री रामलीला कमेटी वर्ल्ड घाट। आज हमारे यहाँ रामलीला वर्ल्ड घाट का 160वां वर्ष है। ये रामलीला मंचन को होते हुए आज हमारे यहाँ रावण वध होता है और आज पहले हमारे यहाँ असुरी शक्ति रावण का अंत किया जाता है, राम रावण युद्ध होता है, फिर रावण का प्रतीकात्मक हम लोग पुतला बनाते हैं जिसका हम लोग दहन करते हैं, उसके बाद भगवान की आरती होती है, फिर भगवान राजसी वेश में यहाँ से निकलती है, उनकी सवारी निकलती है, उसके बाद भगवान बसंतपुर मिलन चौक पे जाते हैं जहाँ पे माता जानकी का मिलन होता है, वो उनकी आरती करते हैं, इसी को हम लोग राघव और शक्ति का मिलन कहते हैं जिसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है राघव और शक्ति मिलन, राघव और शक्ति। आज के तारीख में अगर मौसम सही रहा तो कम से कम 10,000 से ऊपर की भीड़ होती है, अब मौसम सुबह से रात से पानी का है इसलिए भीड़ का अनुमान बताना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, मगर मेरा रावण दहन होगा, मेरा पूरी रामलीला का जैसे कार्यक्रम होता वो चलेगा, मैं अपने समय के 10-5 मिनट आगे पीछे अपनी रामलीला का सारा कार्यक्रम संपन्न कराऊंगा। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम द्वारा 3 कृत्रिम पोखरे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रंग बिरंगे कपड़ों से पूरे पोखरे को सजाया गया है तथा गेरुआ कलर के झंडे लगाए गए हैं, जिसके संबंध में नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने बताया कि राप्ती तट पर नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए 3 पोखरे बनाए गए हैं। विसर्जन स्थल पर जाने वाले सभी मार्गों की साफ सफाई के लिए अलग से टीम लगाई गई है जो गंदगी की तत्काल सफाई कार्य कर रहे हैं तथा मार्गों पर तिरंगे लाइटों से सजाया गया है। यहाँ पर नगर निगम द्वारा कैंप कार्यालय की व्यवस्था की गई है जहाँ पर निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विसर्जन स्थल वाले मार्ग पर स्वागत गेट बनाया गया है, प्रतिमा विसर्जन के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई गई है, साथ ही संपूर्ण रूट पर जगह जगह कैमरा लगाया गया है ताकि प्रतिमा विसर्जन के सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, प्रमुख स्थानों पर पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है तथा विसर्जन स्थल पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, आ जाता है।
इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो दशहरा पर्व पर मूर्तियाँ पूरे महानगर में और अन्य क्षेत्रों में जो स्थापित हैं गोरखपुर जनपद में, उनके विसर्जन के लिए भव्य व्यवस्था इस बार की गई थी और की गई है। और इस समय जो है आप जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग जो है पांडाल को भी जो है तीन पोखरे और पोखरों के अतिरिक्त प्रशासन के लोगों को बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था पांडाल और जो सजावट विशेष रूप से जो हमारी सजावट की गई है ये बहुत ही जो है भव्य तरीके से की गई है और ये एक तरह से अनोखा कार्यक्रम है। और हमारे नगरायुक्त महोदय ने बहुत बखूबी इस पे हम लोगों को एक एक पॉइंट पर क्या करना है कैसे सजावट करनी है इसको उन्होंने निर्देशित किया है और उनके निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से तैयार हैं मूर्ति विसर्जन के लिए। सर कितने पोखरे बनाए गए हैं, कितने सीट के? हमारे वहाँ इस समय जो है तीन पोखरे बनाए गए हैं और तीनों पोखरों में तीन तीन जगह से मूर्तियाँ, मतलब एक साथ 9 मूर्तियाँ इसमें विसर्जित की जा सकती हैं। और उनको विसर्जित करने का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो बालू की बोरियों से भर के बल्ली गाड़ करके, मतलब काफ़ी मजबूती से बनाया गया है, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना की संभावना नहीं है। और रास्ते भी जो बनाए गए हैं आप जैसा कि देख रहे हैं कि मूर्तियों को ले जाने का अलग रास्ता है और विसर्जन के बाद गाड़ियों के आने का अलग रास्ता है, तो इससे ताकि कोई अवरोध उत्पन्न न हो और किसी प्रकार की जो भी मूर्ति विसर्जन करने के लिए भक्तगण आवे उनको किसी परेशानी की समस्या न रहे, किसी तरह का उनको जो है असुविधा न हो। जनपद में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, इस खराब मौसम में दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित की जा रही हैं। बड़ी मूर्तियों को क्रेन की मदद से विसर्जन किया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा तीन जगहों पर 5 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। बारिश होने की वजह से लोग प्रतिमाओं को प्लास्टिक से ढक करके विसर्जन के लिए ले गए ताकि प्रतिमा भीग ना पाए। राप्ती तट पर बने विसर्जन स्थल पर जाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग मूर्ति को अपने सर पर भी लेकर आ रहे थे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने मूर्ति विसर्जन की तैयारियों पर कहा कि बुधवार को विजयदशमी का पर्व है तथा मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। जनपद ने मूर्तियों के साथ विसर्जन के लिए एक नोडल अधिकारी को तैनात किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है कि जहां पर मूर्ति स्थापित की गई है वह विसर्जन स्थल तक साथ में जाएंगे। इसके साथ RAF के साथ SSB जवानों की भी मूर्ति विसर्जन को संपन्न कराने के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जो कि मूर्ति विसर्जन के मार्ग को क्लियर रखेंगे। उन्होंने बताया कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा 3 तालाब बनाया गया है। मूर्ति विसर्जन स्थल पर लाइट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शहर में 962 मूर्तियों का विसर्जन होना है और पूरे जनपद में 3000 से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित हुई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जय हो ओ सरे बोलो, ओ जय माता दे, आवाज नहीं आ रही। I'm going to go to the hospital.
जनपद गोरखपुर में पूरे प्रदेश में महानवमी का पर्व हुआ, उसके बाद में आज विजयदशमी है। आज के बाद में सारी मूर्तियों का विसर्जन होना है। जनपद गोरखपुर में स्पेसिफिकली हमने इंश्योर किया है कि प्रत्येक मूर्ति के साथ एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है, जिसका मुख्य कार्य मूर्ति जहां पे स्थापित की गई है वहां से विसर्जन स्थल तक वो साथ में जाएंगे, एवं उसके साथ साथ RAF एवं SSB की फोर्स भी लगी है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से चौकन्ना रहकर रास्ते को क्लियर रखेंगे, एवं उसके साथ साथ सभी मूर्तियाँ शांतिपूर्वक विसर्जित की जाए इसके लिए 3 तालाब बड़े बड़े तालाब खुदवाए गए हैं नगर निगम द्वारा, एवं नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की गई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का मूर्ति विसर्जन करने में सामने ना आए। 962 मूर्तियाँ हैं वो विसर्जित होनी है, एवं पूरे जनपद में 3000 से ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित की जाएंगी। थैंक यू। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगाया जनता दरबार। 350 फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार की सुबह CM योगी जयपुर राजस्थान के लिए करेंगे प्रस्थान। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का किया भ्रमण। तेंदुओं के 2 मादा शावकों को दूध पिलाकर मुख्यमंत्री ने किया नामकरण। एक को भवानी तो दूसरे को नाम दिया चंडी। गीता नामक सफेद बाघ इनको क्रॉल से मुख्य बाड़े में कराया प्रवेश। कहा, राम राज्य की भावना के अनुरूप हो प्रत्येक प्राणी का संरक्षण। लूट की घटना में शामिल एक शातिर चेन लुटेरे अभिषेक भारती और लूट के सामान को खरीदने वाले सुनार आदित्य वर्मा को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का चेन, लूटे गए चेन को बेचकर मिले पैसे से खरीदे गए एप्पल का मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से किया गया दहन। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा दिखाया गया रावण वध की लीला। कहा, प्रभु श्री राम द्वारा रावण के वध होते ही हजारों भक्तों ने किया जय जय श्री राम का उद्घोष। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर नगर निगम ने बनाए 3 कृत्रिम पोखरे। निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के शिफ्टवार लगाई गई है ड्यूटी। नगर निगम के जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे ने कहा, प्रतिमा विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई दिक्कत। और जनपद में सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच 3000 से ज्यादा मूर्तियों के विसर्जन के लिए स्थानीय पुलिस के साथ SSB जवानों, RAF जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। हर मूर्ति के साथ एक नोडल अधिकारी को किया गया है तैनात। मूर्ति विसर्जन को करवाएंगे सकुशल संपन्न, SP सिटी ने दी जानकारी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।